हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं पृथ्वीराज कुमावर लाया हूँ आपके लिए। जो है क्लासेस हमारे टेंथ की चल रही है और आप लोगों ने बहुत सारी क्लासेस भी ले ली है। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू हमारी क्लास चल रही है और टेंथ में हमने लास्ट वीडियो में जो जाना था बच्चों, वो जाना था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी हम लोग जो पढ़ रहे थे बच्चों, प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे, आज उसका ये लास्ट है। प्रेजेंट टेंस, इस प्रेजेंट टेंस का लास्ट जो है बच्चों, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने इसकी पहचान जानी थी, सेरा है, सेरी है, सेरे हैं। हेल्पिंग वर्ब हमने जाना था, वो जाना था हैज हैव के साथ में बीन, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर इसका पॉजिटिव सेंटेंस हमने पढ़ा था। ठीक है, अब जो आगे चलेगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ इसका पॉजिटिव सेंटेंस। बच्चों सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। और सकारात्मक वाक्य की बात करें यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, तो देखो मैं जैसे कोई भी सेंटेंस मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा कि मैं दो दिन से कहानी लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, मैं दो दिन से कहानी लिख रहा हूं, तो कैसे बनाएंगे इसको? इसको बनाएंगे, देखिए मैंने कहा आई हैव बीन, लिखने को कहते हैं बच्चों राइटिंग। आई हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी दो दिन से, तो फॉर टू डेज। फॉर टू डेज क्यों आया बच्चों? क्योंकि ये अनिश्चित समय था, इसलिए उसके साथ में फॉर हमने लगा दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। देखो फिर से बता रहा हूँ, इसकी जो आइडेंटिटी होती है, ध्यान समझ लीजिएगा, पहचान जो होती है आइडेंटिटी, उसमें है से रहा है। देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, से रही है, से रहे हैं। समझ गए? हेल्पिंग वर्ब जो हमने इसमें यूज किया है वो हैज बीन और हैव बीन बच्चों ये यूज किया है, और जो मेन वर्ब इसमें लिया है बच्चों, वो लिया है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। समझ गए होंगे आप, बिफोर यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके साथ हमने इसका देखा है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस मैंने आपको सेंटेंस बता दिया है। अब लेके चलते हैं बच्चों इसका आगे नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ज्यादा बड़ा नहीं वीडियो, आज अपना जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना बच्चों, फिर हम आगे चलेंगे पास्ट टेंस पढ़ते हुए, जो बहुत अच्छा है, हमारे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता है। तो नेगेटिव सेंटेंस का एक बार फॉर्मेट बनाते हैं। देखो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, देखिए नॉट यहाँ लगेगा बीन के पहले, समझ गए ना। फिर उसके बाद फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद हमारा जो रूल चल रहा है वो रूल्स ऐसे कैसे चलेगा ये ध्यान रखिएगा। सिंस और फॉर आएगा ही आएगा प्लस टाइम, समझ गए होंगे। ओके देखिए बच्चों, सेंटेंस इसी को लेके चले या कोई सा भी सेंटेंस, कैसा भी सेंटेंस हम लोग बनाए हिंदी में, जैसे मैंने कहा वह दो दिन से खाना नहीं खा रहा है, ठीक है बच्चों। अब नहीं आ गया तो नकारात्मक हो गया, तो नकारात्मक को बनाएंगे किस तरह से? तो लिखेंगे हम लोग कि हैज, उसके बाद आ जाएगा नॉट बीन। देखिए ध्यान रखना, ही हैज नॉट बीन, तो ही हैज नॉट बीन, अब क्या नहीं कर रहा, नहीं खा रहा, ईटिंग, ही हैज नॉट बीन ईटिंग फूड, क्या फूड, और कब से, टू डेज, फॉर टू डेज यानी दो दिन से खाना नहीं खा रहा है। आ गया समझ में, ही हैज नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर टू डेज, वह दो दिन से खाना नहीं खा रहा है।
ठीक है बच्चों, आगे बताता हूँ मैं, बड़े सेंटेंस बनेंगे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे सेंटेंस बताता हूँ आपको, बहुत अच्छे सेंटेंस हो गए, हो गया। देखिए इधर से हटा देता हूँ, देखिए ठीक है, बाद जो आगे सेंटेंस आएगा वो आ जाएगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव को मैं आपको दो तरह से बताऊँगा बच्चों, दो तरह के सेंटेंस आएंगे, कैसे आएंगे वो देखते हैं। इंटरोगेटिव यानी के प्रश्नवाचक। देखिए पहले तो हम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके, क्या देखिए जिसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, या तो आएगा हैज या आएगा हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म, आगे रूल सेम है, समझ गए। जैसे मैंने कहा क्या अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, क्या अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो क्या आया, आया ना, तो क्या कर देंगे, अध्यापक है तो हैज, क्या जाए बच्चों, हैज एच ए एस, हैज द टीचर, हैज द टीचर पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, उसके पहले बीन, हैज द टीचर बीन, सोमवार से दिया ना, सोमवार से हैज द टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे, समझ गए, सिंस मंडे, कोई प्रॉब्लम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें आ जाएगा। अब इसी को अगर हम लेकर के चले, क्या चीज देखिए कि यहां मैंने लिखा अध्यापक सोमवार से क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये कौन सा आ गया बच्चों, डब्ल्यू एच वर्ड का आ गया, तो डब्ल्यू एच वर्ड का आ गया, इसका फॉर्मेट इस तरह से बनेगा, सबसे पहले आ जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में आ जाएगा हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, आगे रूल सिंस फॉर के साथ में चलेगा। देखिए यही बता रहा हूँ मैं, इसको ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ा रहे हैं, तो व्हाट आ गया, क्या आ गया, व्हाट, व्हाट हैज द टीचर, व्हाट हैज द टीचर बीन टीचिंग, ऊपर वाले सेंटेंस को भी आप देख सकते हैं, टीचिंग, व्हाट हैज द टीचर बीन टीचिंग सिंस मंडे, हो गया क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को, सभी को दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है, सेंटेंस में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर जो है आगे मैं लास्ट इसका सेंटेंस बताता हूँ, वो होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। आप जो इसमें होगा बच्चों, लास्ट प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, दोनों को एक साथ बता रहा हूँ, देखिए डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, ये तो आएगी ही आएगी, कुछ भी कर लो, ठीक है, yes, लास्ट में सीन्स फॉर, सीन्स या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। अब क्या बनाए सेंटेंस ऐसा, देखिए जैसे एक अच्छा सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव है क्या इसमें, नहीं किया ना, अच्छा ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट और उसके बाद में नॉट, डब्ल्यू एच वर्ड के साथ में नॉट के बाद आ जाएगा बी, ओके अब तो सही है, ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा अध्यापक
अच्छा वाक्य है बच्चों, देखिए उसी को बार बार ले रहे हैं। अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। तो देखिए सोमवार से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्यों आया है पहले बच्चों, तो क्यों को हम शुरू में कर देते हैं वाई। टीचर आया तो हैज, द टीचर, वाई हैज द टीचर नॉट, और फिर आ जाएगा बच्चों बीन, और बीन के बाद हम यूज कर देंगे टीचिंग, टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश सिंस मंडे। ये हो गया बच्चों हमारा सेंटेंस, वाई हैज द टीचर नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। अब आप जो है बच्चों इसकी बार बार जो है प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा टेंस प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए आगे जो मैं पढ़ाऊंगा पास्ट टेंस जो हमारा चलेगा वो इन्हीं के बेस पर ही है, सिर्फ चेंज होगी तो कौन, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में ज़्यादा कोई अंतर नहीं आ जाएगा, एक जगह आएगा इंडेफिनेट में, बाकी सब में इक्वल है। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखना है, साथ में हिंदी की आइडेंटिटी को, और पढ़ते हैं आगे से हम नेक्स्ट क्लास में हम टेंस को जो है पास्ट टेंस में, जब तक आप इसको रिवाइज कीजिए बहुत अच्छे से। कहीं इस टेंस में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड डे, गुड बाय।